आज के इस वीडियो में बताएंगे सर्विस प्लस से आप आवासीय आयजाती बिहार के सभी जिले से आप बना सकते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट को, बिना ब्लॉक जाए, बिना कहीं जाए, बिना एक रुपये खर्च किए। जानेंगे आज के वीडियो में सर्विस प्लस बिहार की कौन ऐसी वेबसाइट है जो सर्विस प्लेस के नाम से जानी जाती है, उससे आप बिहार के सभी जिले में आवासीय आय जाति बना सकते हैं, साथ साथ नॉर्मल तत्काल दोनों बना सकते हैं। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में सभी जिला के लिए सर्विस एक्टिवेट कर दिया गया है, तो पूरी चीज़ विस्तार से जानेंगे और हम आपको इस वीडियो में अप्लाई करके भी दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सर्विस प्लस वेबसाइट का लिंक दिया जो कि बिहार का है, serviceonline.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर आके आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए यहाँ पे खुद का पंजीकरण पे क्लिक करेंगे और अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देकर मोबाइल नंबर देके, पासवर्ड देके स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, आपको मोबाइल पर OTP आएगी। उसके बाद आपका एक अकाउंट जनरेट हो जाएगा। अकाउंट जनरेट हो जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देंगे। उसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड देंगे। अगर पासवर्ड आपके पास नहीं है तो मोबाइल नंबर देंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे जो OTP आएगा वो OTP को आप पासवर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चर इस बॉक्स में इंटर करेंगे। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखने के मिलेगा। उसके बाद यहाँ अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह यहाँ पे 100 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसको 100 कर लेंगे ताकि आपको एक साथ बहुत ज़्यादा सर्विस 100 करे। उसका नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप देखेंगे जो भी आपको बनाना हो उसके हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो 29 नंबर में है कास्ट सर्टिफिकेट एट CO लेवल। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो 36 नंबर में इनकम, 35 में है इनकम सर्टिफिकेट एट CO लेवल। अगर आपको निवासी प्रमाणपत्र बनाना है तो 38 नंबर में आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट है। जो भी बनाना है उस पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस आपको सेम रहेगा, मैं सभी का अलग अलग वीडियो दूंगा। तो आज के इस वीडियो में आपको आवासीय प्रमाणपत्र CO लेवल से बनाना सिखाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 38 नंबर में है रेसिडेंट सर्टिफिकेट एट CO लेवल, इस पर क्लिक करेंगे। उसका कुछ इस तरह आ यहाँ पे देख सकते निवास प्रमाण पत्र आवेदन अंचल अधिकारी स्तर से। ये फॉर्म तभी खुलेगा जब आप शाम के 5 बजे से लेके सुबह के 10 बजे के बीच में अगर आप अप्लाई करेंगे तभी ये ओपन होगा। सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच ये अप्लाई नहीं लेगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए शाम में, इवनिंग में 5 बजे से लेकर और सुबह के 10 बजे तक इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म में सबसे पहले आपको जनरल सर्विस करना हो जिसका अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ अभिवादन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं श्री या कोई अभिवादन नहीं। उसके बाद यहाँ भी जिसका आप प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसका फुल नेम अंग्रेजी में देंगे। जैसे ही अंग्रेजी में आप देंगे उनका फुल नेम तो वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी में मैंने लिखा। अंग्रेजी में लिखने के बाद टैब बटन पर जैसे क्लिक किए, अंग्रेज़ी में लिखने के बाद यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। अगर हिंदी नहीं आ पाता है तो आपको यूज करना होगा गूगल इनपुट टूल। गूगल इनपुट टूल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। जैसे गूगल इनपुट टूल को ओपन करेंगे तो कुछ इस तक आएगा। यहाँ इस पर क्लिक करके आपको लैंग्वेज को हिंदी सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद जिस तरह आप अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप अंग्रेज़ी में हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद फादर्स के फुल नेम अंग्रेज़ी में, हिंदी में मदर्स का फुल नेम अंग्रेजी में, हिंदी में। उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड का दे सकते हैं अगर लेडीज़ का बना रहे तो, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस देंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे बिहार। उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते सभी डिस्ट्रिक्ट, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट सभी डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अनुमंडल सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका अनुमंडल होगा। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको प्रखंड सेलेक्ट करना, जो भी आपका प्रखंड होगा। यहाँ पे चलिए मैं अपना प्रखंड सेलेक्ट करता हूँ। प्रखंड सेलेक्ट करने के बाद आप जो रह रहे वो ग्राम पंचायत के अंदर आता है या नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत, तो ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करेंगे जो भी आपके अंदर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर वार्ड संख्या देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना पंचायत को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका पंचायत होगा। यहाँ पर अपना गाँव का नाम, डाकघर का नाम, यहाँ पुलिस स्टेशन जो भी आपका वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर देंगे। आधार नंबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अगर आधार नंबर देंगे तो आधार वेरीफाई करना होगा, आधार रजिस्टर मोबाइल पे OTP देके। तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट का जिसका अप्लाई कर रहे उसका एक पासवर्ड साइज का फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद ये पता पे ये अस्थाई रह रहे या अस्थाई, तो अस्थाई को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उद्देश्य मांग रही जो आप प्रमाण पत्र बना रहे हैं
आवासीय प्रमाण पत्र ये किस लिए बना रहे हैं, तो उद्देश्य लिखेंगे। अगर छात्रवृत्ति के लिए बना रहे तो वो एडमिशन के लिए बना रहे तो वो जो भी जिसके लिए आप बना रहे वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आई एग्री करेंगे, उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे कुछ इस तरह कहेगा आपने नाम की जाँच कर ले, मोबाइल नंबर, ई मेल आई डी की जाँच कर ले, उसके बाद ओके बटन पर प्रेस करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह ऊपर जितने भी डिटेल आपने दिए सभी को चेक कर पाएंगे, चेक करके कंफर्म कर लेंगे अगर सही पूरी डिटेल तो ठीक है। उसके बाद यहाँ अटैच पे क्लिक करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं जैसे कि पहचान पत्र, आधार कार्ड, ठीक है, मतदाता निर्वाचन पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासवर्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर लेंगे क्योंकि रेसिडेंट सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उस पर एड्रेस भी रहता है। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। आधार कार्ड को अपलोड कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं दस्तावेज में आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रिसिप्ट जनरेट करके दे दिया गया, इसी रिसिप्ट पे यहाँ पे एक डेट भी दे दिया गया, इसी डेट को हमें ऑनलाइन हमारा ये ऐप रेसिडेंट सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड प्रिंट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक करके इसको हम पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। जब भी जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका दिया गया है, जैसा कि यहाँ देखो सेवा प्रदान करने की तिथि जो ये जो डेट है, ठीक है, तो इस डेट को हमें ये मेल पे मिल जाएगा या हम इसको ऑनलाइन यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको यहीं से ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए यहाँ व्यू स्टेटस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे कब से कब तक का आपको देखना, उसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस डेट में कितने अप्लाई सारा चीज़ यहाँ पे है। तो अभी जो मैंने ये किया है तो देख सकते हैं 16 तारीख को मैंने किया और 29 तारीख को ये ड्यू डेट 29 तारीख को मिलेगा। तो यहाँ पे जब डिलीवरी दिखा देगा मतलब आपका ये प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। अगर कोई स्टेटस अलग दिखाता तो यहाँ पे शो करें, जैसा कि ऊपर वाला देख सकते हैं ये डिलीवरी हो चुका है। इस तरह का आपको डिलीवरी अगर इसमें दिखाएगा तो उस पर क्लिक करेंगे और यहीं से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड भी मिल जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह डिलीवरी पर क्लिक करेंगे, इस तरह का यहाँ पे देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट है, इसी तरह का आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो सकता है, इस पर क्लिक करके आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह के नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।